हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुरी जगन्नाथ टेंपल के 56 प्रसाद में से एक प्रसाद, जिसका नाम है कनिका। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ 250 ग्राम के करीब बासमती राइस और उसको अच्छे से धो के ड्राई कर ली हूँ। अभी उसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, अच्छे से मिला लूँगी और इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि चावल जो है वो टर्मरिक पाउडर का अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। इससे क्या होता है, कनिका का जो कलर होगा बहुत ही अच्छा आएगा। 15 मिनट हो गया है, अभी मैं कढ़ाई गरम करके ऑयल को हीट कर ली थी। आप घी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा चीनी को दे दी हूँ और उसका कलर आने तक वेट करूँगी। यहाँ पे कुछ मैं कड़ा मसाला को ले ली हूँ, उसमें से दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर, छोटी इलायची, चक्री फूल और तेज पत्ता। यहाँ पे चीनी का कलर आ गया है, अभी हम इसमें ड्राई मसाला दे देंगे। उसके बाद मैं यहाँ चावल को दे दी हूँ और अच्छे से मिला लेती हूँ। चावल को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। अभी मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। कनिका जो है वो थोड़ा मीठा रहता है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट यूज करूंगी। ड्राई फ्रूट्स में से मैं मूंगफली, काजू, किशमिश और नारियल को अच्छे से फ्राई कर ली थी, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 गिलास पानी। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी का क्वांटिटी जो है वो बहुत ही अहम होता है। प्रेशर कुकर में पानी का मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून घी दे दूंगी और ढक लूंगी। आफ्टर 10 मिनट्स देखिए हमारा कनिका जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।